मेरे वालों तुहानू सारू प्यार भरी सत श्रीकाल जी। उम्मीद करते हैं तुम सारे ठीक ठाक होवोगे। अज की वीडियो के आप गल करांगे, देखो जी आप अज कुदरत जो पानी वाला टैंक होंगे उसमें बदलांगे। सब तो पहले इस खोलांगे, इस खोलन तो पहले आप काले बाई दे स्परे करावे। उन्हें फोन आया सी, पहले आप स्परे कराने जी, उस तो बाद तुम दिखाने बने रहो वीडियो के नाल। आ टैंक आप लाना, उसनों खोलना, जो भी प्रोसीजर होगा वह थोड़ा वीडियो के नाल दिखावे। पहले आप स्परे करते हैं अखा वाले गुब्बारे से, अब तुम दिखाने किमें स्परे करते हैं। आ देखो जी मैं ट्रैक्टर चला रहा, काला बाई पिछे स्परे कर रहा ड्रम के नाल। अखा वाली स्परे आ पहला गुब्बारा बीज के, देखो वह जो उत्ते स्परे की जा ताकि कख ना हो सकन। आ देख सकते हो तुसी, कमेंट करके जरूर दसो जी भी तुसी भी इस तरह स्परे करते हो जां पहला स्परे करते हो। आ देखो वो सामने नरमा जी अपना हरा दिस रहा है। आ काले बाई का खेत है। इस तो बाद थोनों कूलर दिखाने आ देखते हैं आप कूलर आप किमें खोलना तो किमें कूलर का आप टैंक फिट करना। वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करके जरूर दस्या करो जी। आ देखो जी पहला सब तो पहला आप जो पुराने टैंकी के नाट है इसमें 10-11 नंबर ने पाना चाबी लगता है। इस आप नाट खोल लेने टैंक के। आ देखो जो मैं वीडियो के खोल रहा इस तरह नाट खोल के जी आप फिर इसमें पासे कर लेना। नाट थोड़े टाइट हो सकते हैं क्योंकि पानी होंगे टुट भी सकते हैं, नवे पाने पै सकते, पर मैं कोशिश करूँगा इस खोली जान। आ देख सकते हो तुसी नाट खोल रहे हैं। आप ये वीडियो वधिया लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो जी। होर वीडियो देखने के लिए जी मेरा चैनल सबसक्राइब कर लो। आ देख लो तुसी मैं नाट खोल रहा हूँ। इस तो बाद आप नवी टैंकी सराह कढ़ांगे। मैं देखो एक नाट खोल दिता आप, इस तो बाद सारे नाट खोल लवेंगे। आ देखो जी नाट आप खोल दिते आ, देखो खाली हो चुका बिल्कुल। और नवी टैंकी दे नाल आप सराख मिनती करांगे, उस तो बाद आप सराख कढ़ांगे। ये देखो पुराना टैंक पे जलया होया, आ देखो नवा टैंक इस फिट करांगे उस दे नाल। आज फिर देखते हैं आप किवें फिट करते हैं। सब तो पहला सराख करांगे। आ देखो जी मैं सूंबे दे नाल थले नट रख के 15 नंबर का सूंबा होंदा जिहड़ा अपना। आ देखो ये ना अपन नट सराख मारे 15 नंबर थले देखो टिमरी पई है, टिमरी रख के पहले निशानी ला ली सी, उस तो बाद देखो इस तरह रख के। देखो मैं वीडियो दिखा रहा इस तरह उत्ते थोड़ी देना सट मार देनी है आसानी दे नाल क्योंकि पत्रा ही होंदा। उस तो बाद जो दूजी साइड अपना पत्रा थोड़ा जहा तान उठ जाता है उसमें आप ग्राइंडर के नाल साफ कर लेना। जिमें मैं वीडियो के देखो ग्राइंडर साफ कर रहा इस तरह बिल्कुल साफ कर लेना ताकि जो अपने नाट है वह आसानी के नाल ये फिट आ सकन। देखो ग्राइंडर पूरी तरह साफ कर लेना सारे नाट चंगी तरह। इस तो आप कर दें फिट जी तुम दिखाने साफ हो चुका जी। हम आप नाट कस रहे हैं, देखो इस तरह बिल्कुल आसानी के नाल लग जूगा। मैं देखो मैं वीडियो दे मैं देख देखो जी मैं नाट आसानी के नाल नाट फिट कर रहा। इस कूलर नूं लिया दिन जी 8 साल हो गए थी अपने बोरां दे पानी कारण इहदा जो टैंक खराब हो गया सी क्योंकि बोर का पानी तैयार थोड़ी ज़्यादा आउंदी है एक पिछ पानी खड़ा रहने करके।
ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਕ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਕੂਲਰ ਹਜੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੂਲਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਟੈਂਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇਸ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।